हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपेट स्कॉलरशिप के बारे में। हाँ जी, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर, काफ़ी टाइम हो गया है, 2023 से जीपेट की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो इसके लिए एक पीसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है फिलहाल ही, एक दो दिन पहले ही। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को अवेयर कर दिया जाए इस चीज़ के बारे में कि उनकी स्कॉलरशिप अब स्टार्ट होने जा रही है। जो स्टूडेंट्स 2023-24 में जीपेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि उनको भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बाकी अगर आप आगे जीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, वापस से जीपेट की जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, सभी स्टूडेंट्स को मिलेगी जो भी जीपेट क्वालिफाई होंगे। तो उसी पे हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप नहीं जानते कि जीपेट क्या होता है, तो मैं वो बता देता हूँ। जीपेट है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट आपको लगता है बी फार्मा 6-8 सेमेस्टर के बाद। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एम फार्मा मास्टर डिग्री करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है 12,400 पर मंथ फॉर 2 ईयर। मतलब एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए एग्जाम दी जाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। बेसिकली ये एग्जाम एनटीए और 2023 में बेसिकली एनबीईएसएम ने कंडक्ट करवाई थी। तो ये कुछ एग्जाम अथॉरिटी हैं जो एग्जाम करवाती है जीपेट की। लेकिन पहले क्या होता था, 2023 से पहले जो स्कॉलरशिप मिलती थी जीपेट की, वो एआईसीटी प्रोवाइड करवाई थी। एआईसीटीई प्रोवाइड करवाता था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग वगैरह है, फार्मेसी है, इनको सभी को जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती थी वो एआईसीटी के द्वारा करवाई जाती थी। लेकिन एआईसीटी ने 2023 से पहले ही बंद कर दिया कि हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो इसके खिलाफ काफ़ी वो चल रहा था, केस चल रहा था। लेकिन पीसीआई ने फिर बोला कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि हाँ स्कॉलरशिप चालू हो गई है। पिछले 1-1.5 साल से स्कॉलरशिप बंद पड़ी है, किसी भी बच्चे के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ही कुछ ही दिन पहले 12 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये नाम दे दिया है कि पीएम प्रधानमंत्री बेसिकली ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से हम अच्छा है उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया है कि अब आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। जो भी जीपेट वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले से क्वालिफाई किया है 2023-24 में, तो उनको भी मिलेगी स्कॉलरशिप। और आगे अगर आप तैयारी करने का मन कर रहा है, आपका तैयारी करना चाहते हैं जीपेट की और आगे एम फार्म करना है आपको, तो ये एग्ज़ाम ज़रूर देना, क्योंकि आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी इजीली पढ़ाई में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं, सर्कुलर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो सर्कुलर है जो पीसीआई ने हाल ही में जारी किया है 12 नवंबर को। तो इस सर्कुलर के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से इयर्स के जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली हैं, और कौन सी अथॉरिटी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगी। तो देखते हैं सर्कुलर को। ये सर्कुलर अगर आप साइट पे, वेबसाइट पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीसीआई के वेबसाइट पे आपको सर्कुलर के ऑप्शन में ये मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल सर्कुलर है ये बेसिकली पीसीआई ने ही जारी किया है अभी 12 तारीख को। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, टू ऑल क्वालिफाइड जीपेड कैंडिडेट। किसके लिए है, जो जीपेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। सब्जेक्ट क्या है इसका, अनाउंसमेंट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जीपेट, जीपीएटी, जीपेट। तो इसमें देखिए जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए हैं। बेसिकली इसमें देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखिए क्या है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज ऑफ आरएस
12,400 पर मंथ टू जीपेड क्वालिफाइड स्टूडेंट एडमिटेड टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम। मतलब इसमें यही लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, उसमें 12,400 पर मंथ जीपेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो बेसिकली पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो ये तो हमें पता ही है, हमने पहले देख ही लिया। आगे देखिए, ओनली क्वालिफाइड जीपेड स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, क्योंकि क्वालिफाइड होगा उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड दिस विल बी डिसबर्स फॉर द अकादमिक सेशन 2023 और 2024, मतलब कि 2023-24 और 24-25 एज पर रिजल्ट डिक्लेयर बाय एनटीए और एनबीईसीएम रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जैसे 2023 में बेसिकली एनटीए ने कंडक्ट करवाई थी एग्ज़ाम और 2024-25 में एनबीएसएम ने रेस्पेक्टिवली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, तो इनके जो भी रिजल्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जीपेड की जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को दी जाएगी। द स्कॉलरशिप टेन टेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ, बेसिकली 2 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मतलब कि जो 2023-24 में एग्ज़ाम दिए हैं और 2024-25 बैच में एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये उनकी स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी, ये बाकी जो आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको तो मिलने वाली ही है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। स्कॉलरशिप विल बी डिसबर्स बाय द कैनरा बैंक, ये भी अनाउंस किया है कि कौन से बैंक में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो बेसिकली कैनरा बैंक के अंदर ये स्कॉलरशिप आने वाली है, तो सभी स्टूडेंट्स को जो जीपेड क्वालिफाई हैं और जीपेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में जीपेड देने वाले हैं, तो उन सभी को इन्फॉर्म किया गया है कि कैनरा बैंक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, वहीं से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। वही है, हैंस इफ दे हैर बे रिक्वेस्ट टू ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट इन जीपेड एग्जाम टू ओपन देयर अकाउंट इन कैनरा बैंक फॉर स्कॉलरशिप। तो इसके लिए एक लिंक भी दिया गया है जहाँ पर गाइडलाइंस मिलेगी कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब तो आप हैप्पी होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही हैं। देखिए, स्कॉलरशिप की ज़रूरत काफ़ी स्टूडेंट्स को होती है क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स लोन लेके अपने स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हायर एजुकेशन को, एम फार्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका सपना एम फार्म करना, टीचिंग करना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने स्टडी करिए। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे कोई और अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।